केंद्र की मोदी सरकार ने शौचालय का नाम बदलकर इज्जत घर रख दिया। सही तो किया, आज यही शौचालय प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। आईना कह रहा है कि देखो असली विकास यही तो है। गरीबों को शौचालय नहीं मिला और जिन्हें मिला उसकी हालत आप खुद देख लीजिए। किसी शौचालय के ऊपर छत नहीं है तो किसी में दरवाजा नहीं है। सेप्टिक टैंक की हालत देखकर आपको उद्यन आभा तूफान एक्सप्रेस की टॉयलेट ना याद आ जाए तो कहना। चलिए एक बार इस टॉयलेट को भी देख लीजिए। बकायदा पेड़ लगे हैं टॉयलेट में, गेट की जगह लताओं ने ले ली है। पूरा इको फ्रेंडली टॉयलेट है। वेस्टमिंस्टर की कब्र में सोई हुई चार्ल्स डार्विन की आत्मा बाप बाप चिल्ला उठी होगी कि हिंदुस्तान वाले इतने बड़े प्रकृतिवादियों को कहां पिपराइच विधानसभा में बैठा रखा है। इन्हें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में होना चाहिए। कसम से आज अगर शाहजहां जिंदा होते तो तुरंत उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाकर कहते कि सीखो कुछ गोरखपुर के उनौला खुर्द ग्राम पंचायत वालों से। क्या बेहतरीन आर्किटेक्ट है, ऐसा टॉयलेट बनाया है जिसमें ना दरवाजे की जरूरत है ना एयर कंडीशन की। तुमने बेफिजूल करोड़ों खर्च करवा दिए। अब चलिए एक बार इस गांव के लोगों को सुनते हैं कि उनका टॉयलेट कैसे बना, सरकारी मदद कितनी मिली और टॉयलेट की ऐसी हालत क्यों है। आपका इज्जत घर नहीं बना? नहीं सर। क्यों? उस जुगानी पैसा लेकर बनवाए ना, 700 ईंटा दे दिए हैं। उन्होंने क्या बोला फिर? बोले कि हम बनवा देंगे, बनवाए नहीं। कितना दिन हो गया इसी तरह? साल डेढ़ साल हो गया। कभी तक बना नहीं? फिर आपने कहीं से बोला किसी को? हाँ, उनको बार बार बोली, बोले बन जाएगा बन जाएगा। एक बार फिर बोले कि अब सिस्टम बंद हो गया है इसीलिए नहीं बन पाएगा। अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ से बनवा पाएंगे, अभी नहीं बना है, हम लोग के पास नहीं व्यवस्था है तो नहीं बन पा रहा है। तो सुना आपने कि टॉयलेट की हालत ऐसी क्यों है। गोरखपुर वाले तो वाराणसी वालों से भी एक कदम आगे निकले। अरे कम से कम वाराणसी के शौचालय में छत तो थे, बस दरवाजे नहीं थे। यहाँ तो बस ईंटें पकड़ा गए। कहा आत्मनिर्भर बनो, खुद ही बनवा लो शौचालय। उनौला खुर्द के इस गांव में और भी पीड़ित मिले हुए हैं, जहां पर हमारे सामने मौजूद हैं। जी हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ, आपका शौचालय कैसे बना? शौचालय बनल जैसे ईटा दे रहा, बाकी अपन सब अपन लग से बनल बा। अच्छा, कितना पैसा मिला था? पैसा एको नहीं मिला ला। मतलब वो शौचालय आखिर जो अधूरा भी बना तो कितने किसके पैसे से बना? हमारे पैसे से मेरा ला, खाली ईटा भर दे रहा। खाली ईटा? आपका आपका क्या मामला रहा? हमारे गुड्डू के बनल बा, हमारे लड़का के। हाँ। तो खाली ईटा भर देले बने, अपने से जोड़ा के चालू कर ले बा, सीट देले बने, और कुछ नहीं बा। पैसा पैसा कितना मिला? पैसा एक नहीं दिए हैं, खाली कच्चा ऐसा पड़ा है, सिर्फ कच्चा पड़ा है। जी आपका नाम क्या है और क्या मामला है आपका, बताएं। हमारा नाम किस्मत है। ऐसा भाई ईंटा गिरल रहा, ईंटा भर देले माना आई, और अपने लग से पलस्तर करूँ, फाटक लगवाऊँ, सब अपने लग से ले आकर लगवा ले रही है, और कुछ नहीं देने ना, का देले ना, कुछ नहीं देले ना, पैसा पाऊ ना अपने ले ना, हमन के देवे नहीं कहीं ना, हमन के का जाने। तो देखा आपने हर जगह बंदर बांट है, लोगों को सिर्फ ईंटे थमाए गए और ईंटे के बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया गया, यानी वो भुगतान आया तो, लेकिन किसके खाते में गया इसकी जांच होनी जरूरी है। खैर इसके आगे हम क्या कहें, इस विकास को देखकर अमेरिका वाले, सिंगापुर वाले, इंग्लैंड वाले, जापान वाले मारे डाह के जल उठे हैं। गोरखपुर में इतना विकास हो गया है कि समय नहीं समा रहा। यहाँ के लोग विकास में नहा रहे हैं, विकास ही पी रहे हैं, विकास में सो रहे हैं, विकास में ही जाग रहे हैं। हालत ऐसी है कि पैर रखिए जमीन पर और पड़ जाता है विकास पर। बाहर वाले फालतू में ही यूपी के विकास को बदनाम किए जा रहे हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।